क्या आप जानते हो कि इस दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है और वो कितने साल पुराना है? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने वेजिटेरियंस और कितने नॉन वेजिटेरियंस हैं? दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है और वो कितने साल पुराना है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होने वाली है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी है और दोस्तों ये 5000 साल पुराना शहर है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होने वाली है, क्योंकि इसको महादेव यानी कि लॉर्ड शिवा ने फाउंड किया था। और दोस्तों, इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस शहर को कैसे फाउंड किया गया था। दोस्तों, उस समय विष्णु और ब्रह्मा के बीच में युद्ध हो रहा था कि उनमें से कौन बड़ा है। तब शिवजी को गुस्सा आया और उन्होंने एक चैलेंज दिया कि जो भी इस शिवलिंग को, इस शिवलिंग का सबसे पहले एंड ढूंढेगा वही सबसे बड़ा है। लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वहीं पर ब्रह्मा ने झूठ कहा। इस वजह से शिव को गुस्सा आ गया और फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके कारण उन पे ब्रह्म दोष का दोष लग गया। इस वजह से वो काशी आए ताकि अपना दोष दूर कर सके, और जिस काशी को हम आज वाराणसी, बनारस और काशी के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, द लेक फॉर्म बाय अ मीटियोर, यानी कि एक ऐसी लेक जिसको मीटियोर ने फॉर्म किया है, यानी कि उल्का पिंड के गिरने से वो लेक बनी है। दोस्तों, उस लेक का नाम है लूनर लेक। दोस्तों, ये लेक आपको महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगी। और दोस्तों, कुछ समय पहले लूनर लेक का पानी पिंक पड़ गया था, जिसके कारण लोगों के अंदर मिथ फैल गया कि ये इसमें अंदर कुछ है जो कि बहुत खतरनाक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब इसकी स्टडी साइंटिस्ट के द्वारा की गई तब पता लगा कि इसके अंदर वाटर लविंग माइक्रोब्स होते हैं जिनका कलर पिंक होता है, जिसके कारण इसका कलर पिंक हो गया था। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर हेलो आर्किया की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी, क्योंकि ये एक साल्ट वाटर है और इस हेलो आर्किया को साल्ट वाटर पसंद है, इसलिए यहाँ पे इनकी तादाद बढ़ गई थी, इसलिए ये कलर, इनका कलर पिंक दिखने लग गया था। और दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लेक 52,000 साल पुरानी है, यानी कि 52,000 साल पहले बनी थी ये लेक। फैक्ट नंबर 3, द एंटी ग्रेविटी हिल्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के लेह लद्दाख के अंदर ऐसे हिल्स हैं जहां पर ग्रेविटी बिल्कुल काम ही नहीं करती। और दोस्तों, आप जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो अप हिल अपने आप की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही। अगर ग्रेविटी काम करती तो ये कार नीचे की तरफ आनी चाहिए थी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि ये बोल, ये आदमी अब बोल रख देता है और ये ऊपर की तरफ जाई जा रही है, जबकि इसको आना चाहिए नीचे की तरफ, और जबकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती है। और ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये लद्दाख का रीजन है, उस हिल का रीजन है जहाँ पर ग्रेविटी काम बिल्कुल नहीं करती। और अगले एक्सपेरिमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि जो लेवल मीटर होता है वो भी बॉटम की तरफ, ग्रेविटी बॉटम का ही सारा कर रहा है, फिर भी यहाँ पर जो चीजें हैं वो ऊपर की तरफ खिसकने लगती हैं, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं। और दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना ये है कि जो अप हिल साइड ऑफ हिल है वो एक्चुअल में बॉटम साइड है, और जो बॉटम साइड है वो एक्चुअल में अप हिल है। और दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना ये है कि ये एक इल्यूजन है, यानी कि एक भ्रम है जो कि पहाड़ियों के स्लोप्स के कारण क्रिएट होता है। फैक्ट नंबर 4, द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो कि पानी में तैरता है? और दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस इंडिया के श्रीनगर के अंदर है। और दोस्तों, इस पोस्ट ऑफिस को एक नाव के अंदर बना दिया गया है। और दोस्तों, इस पोस्ट ऑफिस को दाल लेक के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। फैक्ट नंबर 5, तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले कितने परसेंट लोग हैं? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया के अंदर 8% लोग ऐसे हैं जो कि वेजिटेरियन खाना खाते हैं, और 92% लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। और दोस्तों, इस चीज में सबसे आगे हमारा हिंदुस्तान है, जिसके अंदर 31% लोग ऐसे हैं जो कि वेजिटेरियन खाना खाते हैं और बाकी बचे हुए नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, और इनकी तादाद लगभग 400 मिलियन है। फैक्ट नंबर 6, ए वोटिंग पूल बोट। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा पूल बोट है जिसको सिर्फ एक वोटर, एक सिंगल वोटर के लिए बनाया गया है? और दोस्तों, इस वोटर का नाम है महंत भारत दास दर्शन दास अका भारत दास बापू, इसको शॉर्ट में बापू बोलते हैं। और दोस्तों, ये आदमी गुजरात के गिर फॉरेस्ट के अंदर रहता है। और दोस्तों, सवाल ये आता है कि आखिर एक सिंगल वोटर के लिए एक अलग से वोटिंग पोल बूथ क्यों बनाया गया? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये आदमी गिर फॉरेस्ट के अंदर 70 किलोमीटर अंदर रहता है, और ये एक
मंदिर का पुजारी है, जो कि एक शिव मंदिर का पुजारी है। इसलिए सरकार ने इसके लिए अलग से 2019 में एक वोटिंग पूल बोर्ड बनवाया। फैक्ट नंबर 7, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाली प्लेस कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो जगह है नौशायनाराम। दोस्तों ये जगह बे ऑफ बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ती है, और यहाँ पर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश यहीं को होती है। और दोस्तों अब सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे क्यों होती है? दोस्तों इसका कारण ये है कि ये विलेज बड़े बड़े पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और इस वजह से जब भी बे ऑफ बंगाल की तरफ से हवाएं चलती हैं तो वो पहाड़ों से टकराती हैं, जब और उसी वजह से जो बादल है वो भी वहां पे टकराते हैं, इसी वजह से वो अपनी पूरी रेन वहीं पर कर देते हैं, और इसलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। और दोस्तों यहाँ पर 11,873 यानी कि 11,873 मिलीमीटर ऑफ रेन फॉल होती है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।